कितने लोग हैं तुम तो चार बता रहे थे तीन है एक ड्राइवर अच्छा ठीक हाँ तो एक ड्राइवर कोस्टल रोड काम मेरा नाम विनू है रही आपका गोदाम यहाँ सीज कर दिया गया है तो क्या कारण राज्य प्रशासन ने आपका गोदाम सीज कर दिया और कितना क्या माल रखा है एक तो कोई कागज मौजूद नहीं थे इससे पहले जो है आदमी ये गोदाम बंद रहा है क्योंकि SIB वालों ने छापा मार के उसको बंद कर रखा था कल रात ही में ये खुला है तो जितने भी कागज थे वो सब उठा ले गए थे यहाँ से जितने भी कागज थे उन्होंने हमको वापस दिया नहीं हमें कल रात में इसका यहाँ का रिलीज ऑर्डर मिला है वो भी हम यहाँ नहीं ला पाए बस इस वजह से जो उन्होंने जो है सील कर दिया अंदर कितनी कीमत का माल रखा हुआ है ये हम नहीं बता सकते तो हमारे मालिकान बता सकते हैं ना हम लोग तो लेबर आदमी हैं मालिकान लोग कहाँ रहते हैं कानपुर में ये फैक्ट्री नहीं है बल्कि स्टोरेज का स्थल था वहाँ पर ये जानकारी मिली कि काफ़ी मात्रा में स्टोरेज पटाखे किया गया है तो वहाँ तत्काल पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने जा करके उसको बंद किया क्योंकि तत्समय वहाँ पर कोई कागज़ लोग नहीं दिखा पाए कालांतर में वो कागज़ लेके आए जिसके कि विस्फोटक नियंत्रक आगरा के यहाँ से उनका लाइसेंस जारी है ग्राम डीह में उसकी 74 नक्शे पर ब्लूप्रिंट पर सत्यापित है उसका GST का रजिस्ट्रेशन है उस आदमी का जो NOC सारी उसकी है और उसका बीमा भी है तो ऐसी परिस्थिति में सारे कागज़ उसके द्वारा दिखाया गया तो उसको खोला गया है और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर अग्निशमन की समुचित व्यवस्थाएँ कर ली